ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये छोटा चैप्टर है, तो ये मैटर के जो तीनों स्टेट है फिजिकल केमिस्ट्री में, तीनों स्टेट पे तीन चैप्टर हैं, जो कि इस दो चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तो गैसियस स्टेट है और दूसरा सॉल्यूशन चैप्टर, जो लिक्विड स्टेट उसको बोला जाता है, सॉल्यूशन सिंपली बोलते हैं हम लोग। और थर्ड पार्ट जो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और इस चैप्टर में बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वगैरह जो है पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोई क्रिस्टल है तो क्रिस्टल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होते हैं, और सॉलिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ए टू जेड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। यानी सॉलिड सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड सब्सटेंस में। इनकी शेप फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, जबकि गैसियस सब्सटेंस की शेप फिक्स्ड नहीं होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। लिक्विड से कंपेयर करें तो लिक्विड की शेप कंटेनर के जैसा कंटेनर में रखेंगे उस तरह का वो शेप लेगा, ठीक है, वॉल्यूम लेकिन फिक्स्ड होती है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड सब्सटेंस में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगने का मीनिंग कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इसमें स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय एटम्स, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख रहा हूँ, दैट इज एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स आर टाइटली हेल्ड, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, तैतीस दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वेरी लेस और बोल सकते हैं वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। जो भी इंटर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होते हैं, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी नेग्लिजिबल, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इधर, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या देखे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी होते हैं, यानी एटम्स अगर हैं तो एटम्स, यानी एटम्स आर टाइटली हेल्ड, ठीक है, यानी स्ट्रांगली एक दूसरे कंपैक्टली क्लोज जो है होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, इसीलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देख ले, सेकेंड पॉइंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के टाइप्स यानी दो तरह के होंगे यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्स्ट और दूसरा सेकंड होगा एमॉर्फस सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो टू टाइप्स के सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग अरेंजमेंट पे, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, ठीक है, या रेगुलर है या और इरेगुलर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एटम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फॉर्मेशन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर अरेंजमेंट या लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग, एज फॉर एग्जांपल ऐसे ये मैं ले लिया, इस तरह का ये है रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सपोज कि मैं इसमें एटम ए बी इस तरह का लिया, यहाँ बी ए, ठीक है, फिर यहाँ ए बी ए
बी बी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, यहाँ अरेंजमेंट क्या है, सिमेट्रिक फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट है, ए बी ए बी ए बी इस टाइप से है, यानी ये रिपीट कर रहा है बार बार, ए बी ए बी ए बी इस तरह से, यहाँ पे फिर बी ए बी ए इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे जब अरेंजमेंट होगा तो ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और इस तरह का अरेंजमेंट से यानी जो सॉलिड्स का फॉर्मेशन होगा काफ़ी यानी मोर डेंसिव होगा, ठीक है। इसका मीनिंग कि जो भी इसमें अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें इसकी, तो ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। सपोज कि मैं इस डायरेक्शन में यहाँ से जाऊँ, इस डायरेक्शन में अगर इधर मैं जाऊँ तो यहाँ क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में यानी अलग आ रहा है, इस डायरेक्शन में अलग आया। तो ऐसे जो अरेंजमेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो कह सकते हैं कि इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है, दे आर एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक नेचर का होते हैं। इस एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग ये हुआ कि जिस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट शो करता हो, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। यानी ऐसे केस में एनिसोट्रॉपिक हम लोग इसीलिए इसको बोलेंगे कि सॉलिड्स की जो भी प्रॉपर्टीज होगी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, जो कि यहाँ पे जैसे दे रहा है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। अब इस तरह के जो रेगुलर अरेंजमेंट होंगे तो उनकी जो डेंसिटी होगी हाई डेंसिटी होगी, यानी कि हार्डनेस उनकी ज़्यादा होगी। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिख लें, इट इज मोर डेंसिटी या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इज मोर, ठीक है, इनकी डेंसिटी काफ़ी होगी, हाई डेंसिटी वाले सॉलिड्स होंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी हाई होने का मीनिंग कि स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, यानी हार्डनेस ज़्यादा होगी, दे हैव हाई हार्डनेस। और स्ट्रेंथ ये बोल सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी यानी मजबूत होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
NaCl, ठीक है, डायमंड है, ठीक है, यानी कहने का मीनिंग एलोट्रॉपिक्स ऑफ कार्बन, ये भी हम लिख सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन के एलोट्रॉप्स जो हैं ये ग्रेफाइट, ये डायमंड और फ्लोरीन भी है, ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी मेल्टिंग, शायद वो लिख चुके हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी हाई होने की वजह से क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, ठीक है, यानी लिख सकते हैं दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होंगे, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगी, कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सेकंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड के लिए हम लोग देखें, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, एज फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, कोल टार हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा, इस तरह के जो भी सब्सटेंस होंगे सॉलिड्स वो एमॉर्फस सॉलिड में कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब इसमें चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं एटम्स आर arranged, atoms are arranged in sort in order up to sort range, ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होने का मीनिंग कि इरेगुलर अरेंजमेंट हो, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, यानी एमॉर्फस सॉलिड में जो भी होते हैं अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो इरेगुलर वे में होते हैं, रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है, और ऐसे जिस तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी इस तरह के सब्सटेंस होंगे वो इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे, क्लियर। तो एमॉर्फस सॉलिड के लिए इसका हम लोग देखते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट क्या है। इरेगुलर अरेंजमेंट के लिए सपोज कि मैं इस तरह का अरेंजमेंट दिखा दिया, ठीक है, यस, इस तरह का
अरेंजमेंट दिखा दिया। अब इसमें सपोज कि ए ए बी ए, यहाँ पे बी बी बी, इस तरह का रख लिया एटम्स, ठीक है, यहाँ पे बी ए ए बी बी ए बी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ए ए ए बी बी ए बी, जो भी हो इस तरह का। अब देखो आप यहाँ से क्लियर हो रहा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीटिंग अरेंजमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट है रैंडमली, ठीक है। तो एटम्स का अरेंजमेंट रैंडमली है यहाँ पे, जैसे ए ए बी ए बी, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे अरेंजमेंट इस तरह का जो होगा सॉलिड्स में, तो उनकी अगर देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, या और जितने भी हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, यानी ऑल डायरेक्शन में सेम होंगे। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज बिहेव करता है वैसे सॉलिड्स को हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलेंगे या आइसोमर्फस भी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में जाए, नहीं ऑल डायरेक्शन में क्या होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी यहाँ हम लोग देखें, सपोज ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे जाए, ठीक है, या किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो कोई जो है फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में क्या है, सेम ही आएगा, इधर भी जो है अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, इधर भी फिक्स नहीं है, इसका मीनिंग सब में क्या आएगा, सेम आएगा। और ऐसे अरेंजमेंट जो होंगे वो लो डेंसिटी वाले सॉलिड बनेंगे, ठीक है, लो डेंसिटी वाले बनेंगे तो इनकी हार्डनेस भी कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, सेम सॉलिड्स हैव एमर्फस सॉलिड्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ऑल डायरेक्शन में, इसका मीनिंग कि इसको हम लोग आइसोमर्फस बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड आइसोमर्फस और आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोमर्फस और आइसोट्रॉपिक नेचर, या इसी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखें तो ये जब ऐसे बिहेव करेंगे, यानी सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी वाले सॉलिड्स होंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ भी इसका क्या होगा, हार्डनेस कम होगी, ठीक है, यानी हार्डनेस इज स्मॉल ठीक है, या लेस हार्डनेस वाले होंगे सॉलिड, ठीक है। अब इनकी एमपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें हम लोग, तो दे हैव
वेरिएबल वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड डोंट हैव कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होंगे, इसका मीनिंग कि उसकी कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन इसका फिक्स नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, फिक्स्ड है। ये लो डेंसिटी वाले होंगे, ये हाई डेंसिटी के होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक और लिख ले, एक दो पॉइंट है एमर्फस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और ये यहाँ पे सूडो सॉलिड, ठीक है। अब एक मिनट यहाँ पे आप समझ लो, सुपर कूल्ड लिक्विड इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, या सूडो सॉलिड। एमर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड भी बोला जाता है और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन में फिक्स्ड होती है, इसमें फिक्स्ड नहीं होती है, वेरिएबल होती है। यानी इस जो भी हम लोग इसमें सब्सटेंस, जैसे प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, ग्लास के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो सुपर कोल्ड लिक्विड इसलिए इसको बोला जाता है। जैसे विंडोज में ग्लास वगैरह जो है लगाया जाता है घर वगैरह में, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि ग्लास के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो लॉन्ग टाइम के बाद अगर विंडोज में लगा हुआ है तो आप लॉन्ग टाइम के बाद देखोगे, यानी कि 10-15 साल बाद, तो जो अपर, ये मान लेते हैं कि ये विंडो है, तो ये बॉटम वाले पोर्शन और ये टॉप वाले पोर्शन, तो लॉन्ग टाइम के बाद टॉप वाले पोर्शन जो हैं इनकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी, थिन हो जाते हैं, और ये इनकी थिकनेस थोड़ी सी मोटाई यानी कि इनकी बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग यानी कि फ्लो करने की इनकी टेंडेंसी होती है, तो और फ्लो करने की टेंडेंसी की वजह से ही इसको बोला जाता है सूडो लिक्विड। सूडो का मीनिंग यानी कि सूडो सॉलिड, यानी सूडो का मीनिंग कि फ्लो करने की लिक्विड की तरह जो है फ्लो करने की टेंडेंसी हो, और ऐसे सॉलिड्स को जो है क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड। अब रहा सुपर कोल्ड लिक्विड, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, यानी आप स्लोली उसको कूल कर रहे हो, जैसे प्लास्टिक या ग्लास ले लिया, उसको मेल्ट करा दो, अब फिर से उसको जो है एक लेयर जमाना है, यानी कि कोई बनाना है ग्लास, ठीक है, सरफेस, तो आप मेल्ट कराने के बाद किस तरह से फिर उसको आप कूल कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो या सडनली कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर स्लोली करोगे तो एक अरेंजमेंट थोड़ा सा रेगुलर होगा, थोड़ा ज़्यादा अरेंजमेंट मतलब रेगुलर होगा, ठीक है, ऐसे तो शॉर्ट रेंजर वाले ही होते हैं ये, ठीक है, कम्प्लीटली रेगुलर अरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, लेकिन अगर स्लोली कूल करोगे तो थोड़ा रेगुलरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अचानक करोगे, सडनली अगर इसको कूल करते हो तो ये रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसी के बेस पे इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। यानी कि जैसा अरेंजमेंट होता है सॉलिड का, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
वैसे वैसे उसकी क्वालिटी चेंज होगी। तो बहुत सारे इसी के बेस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्लास होते हैं या प्लास्टिक्स होते हैं, रबर्स होते हैं, तो कूलिंग टेंडेंसी के बेस पे इसको कहा गया है कि सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप्स हैं, यानी यहाँ पे आयनिक सॉलिड, ठीक है, उसमें आप एक पॉइंट नोट पॉइंट में आप लिख लेना पहले, नोट पॉइंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन इज ट्रू सॉलिड वेयर एज एमॉर्फस इज स्यूडो सॉलिड, जो अभी हम लोग देखे भी थे, स्यूडो सॉलिड। क्लियर, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है जबकि एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कितने हैं, एक तो आयनिक सॉलिड हो गया, दूसरा मेटालिक सॉलिड एंड थर्ड कोवेलेंट सॉलिड और फोर्थ विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इट मीन्स देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। फर्स्ट आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का मीनिंग, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, यानी आयनिक सॉलिड में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, यानी आयनिक सॉलिड्स का मीनिंग कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि इन आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। ठीक है, क्या है वो नहीं बोला, हाँ थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आयनिक सॉलिड्स मीन्स आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म एंड आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस और एनायंस से होता है। ठीक है, और कैटायंस और एनायंस के बीच यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं NaCl लिया, तो NaCl में Na+ और Cl- यानी अपोजिट चार्ज है,
यानी कैटायंस और एनायंस, इसको कैटायंस बोलेंगे और एनायंस, ठीक है। तो इनके बीच ये फोर्स लगने वाले हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर KCl में लिया तो ये KCl में K प्लस और Cl माइनस इस तरह के यानी कि आयंस होनी चाहिए। अब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों यानी अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और फाइनली आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सपोज ये के प्लस है, सी एल माइनस जो है के प्लस सी एल माइनस के प्लस, ठीक है, सी एल माइनस, इस तरह से बहुत सारे जो है अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे दोनों। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इससे अट्रैक्ट होंगे, ये इससे भी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये इससे भी अट्रैक्ट होंगे, इधर भी होंगे और ये भी इससे अट्रैक्ट होंगे, यानी हर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, यानी आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं कैटायंस और एनायंस के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अपोजिट चार्ज के बीच यानी कि अट्रैक्शन लगता है और वो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आयनिक फोर्स इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है और स्ट्रांग होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आयनिक सॉलिड्स की एमपीए एंड बीपी हाई होती है, ठीक है। और आयनिक सॉलिड्स एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। चलिए, तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, जैसे हम लोग Na2SO4 ले लिया, KCl ले लिया, NaCl ले लिया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, MgCl2 या Br2, बहुत सारे हैं, लिख सकते हो आयनिक सॉलिड्स। सेकंड पॉइंट है इसका मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड्स, जैसे एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, दीज आर द मेटल्स, ठीक है, हम लोग इन सबको क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे, और मेटल्स हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, यानी मेटालिक बॉन्ड्स आर फॉर्म, मेटालिक बॉन्ड्स आर देयर। तो मेटालिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कहने का मीनिंग कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है और इससे बनने वाले जो बॉन्ड्स होंगे उसको मेटालिक बॉन्ड्स बोलेंगे। ये भी स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग होने की वजह से इनकी भी एमपी एंड बीपी क्या हो जाएगी, हाई होगी। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं पोटेशियम लिया
तो ये इनका यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s1 ठीक है। तो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट शेल ये दिखेगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, तो पोटेशियम का हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट सेल यानी फोर्थ सेल है, और ये फोर्थ सेल यानी कि फोर्थ इसका पीरियड नंबर है ठीक है, और इसमें यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी के एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉज किया तो इसी को हम लोग यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, और इसी को यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, और इसी को मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो ठीक है, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, और दीज आर द कर्नल्स, दिस इज नोन एज कर्नल्स ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स में कर्नल्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज जस्ट सिमिलर टू कैटायंस एंड एनायंस ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड कोर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है, और इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं ठीक है, और ऐसे मेटालिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनकी भी यानी ये डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करने का मीनिंग कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो इसकी हार्डनेस भी इंक्रीज करेगी ठीक है, और हार्डनेस इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा ठीक है। तो सारे डिपेंड करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ठीक है। जैसे मैं सोडियम लिया या पोटेशियम लिया तो इन सब के पास जो क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन 1-1 है यहाँ भी इन दोनों के पास, लेकिन अगर मैं यही आयरन ले लिया तो इनके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टर जो है इसमें मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में इनकी बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, बॉन्डिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगी, हार्डनेस बढ़ेगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, और यही रीजन है जैसे यहाँ पे इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन 1-1 है तो ये उतनी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनकी हार्डनेस उतनी नहीं होगी, सॉफ्ट होते हैं और जो है इसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, बट आयरन को हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है कोवेलेंट सॉल्यूट। तो कोवेलेंट सॉल्यूट्स कुछ गिने चुने हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और ये कोवेलेंट सॉल्यूट्स एज फॉर एग्जांपल
डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरेन भी हो गया। ये सभी कोवेलेंट सॉलिड्स है, ठीक है। और ये सारे के सारे सॉलिड हैं। यहाँ पे हम लोग ये ले लिए सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी सॉलिड हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, ठीक है। और दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी कार्बन या फुलरेन या और जिसको बकमिंस्टर भी बोलते हैं, और इधर ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड, ठीक है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ गिने चुने हैं और ज़्यादा नहीं है। ऐसे तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और लिक्विड स्टेट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह रीजन क्या है, तो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं। तो थ्री डी नेटवर्क कोवेलेंट, इन सब में थ्री डी नेटवर्क कोवेलेंट होता है और इसीलिए इनकी हार्डनेस बढ़ जाती है। और थ्री डी नेटवर्क कोवेलेंट में सपोज कि मैं डायमंड का लिया, तो डायमंड के लिए इस तरह से इस कार्बन एटम अदर फोर कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं, यानी जैसे ये कार्बन है अदर फोर कार्बन एटम से, यानी इस तरह से ये इस तरह का ये लिंक्ड होते हैं, ठीक है। थ्री डी नेटवर्क में रहते हैं ये कार्बन का थ्री डी नेटवर्क है, सॉरी डायमंड का। नेक्स्ट अगर हम लोग ग्रेफाइट का देखें तो ग्रेफाइट में इस कार्बन एटम्स, ग्रेफाइट के लिए इस कार्बन एटम्स ये भी थ्री डी नेटवर्क में होते हैं, लेकिन एक कार्बन अदर थ्री कार्बन से लिंक्ड होता है, यानी इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का नेटवर्क होते हैं इनमें, हर एक के पास इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का तो ये ग्रेफाइट का है थ्री डी नेटवर्क। अब थ्री डी नेटवर्क कोवेलेंट होने की वजह से अगर आप इसमें चाहो जो बीच में से किसी भी एक एटम को निकाल ले तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, नहीं निकल पाएगा। इनकी हार्डनेस जो है थ्री डी नेटवर्क होने की वजह से हार्डनेस काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट कहाँ है, ये डायमंड का है। तो डायमंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कार्बन के पास, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो एक पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन, बट डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कार्बन के पास वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन ये 3D नेटवर्क में ये भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। डायमंड का काफ़ी यानी कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इच कार्बन 4 अदर कार्बन से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये गिने चुने हैं कुछ कोवलेंट सॉलिड्स, अदरवाइज जो आगे हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फोर्थ में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फॉर्मेशन के लिए मेन जो रीजन है वो वांडर वाल और एच बॉन्डिंग है। इनकी वजह से जो है कोई सॉलिड्स मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में आता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो या तो वांडरवाल अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बन रहा है तो या तो एच बॉन्डिंग लग रहा है, नहीं तो वांडरवाल फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगेगा, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का फॉर्मेशन होंगे। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इससे यहाँ पे CO2 ड्राई आइस इसको हम लोग बोलते हैं, CO2 सॉलिड को, ठीक है। CO2 सॉलिड इसको ड्राई आइस बोला जाता है। P4 सॉलिड, SH सॉलिड, ठीक है, I2 सॉलिड, इस तरह का D2O आइस, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और सी वाटर वाला है, ठीक है। H2O आइस, ठीक है। H3BO3 सॉलिड। तो ये सब जो है हम लोग जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, यानी सभी जो हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली क्या होते हैं, तो या तो गैसियस स्टेट में होते, नहीं तो लिक्विड स्टेट में, बट अगर वांडर वाल लग रहा है या एच बॉन्डिंग तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और सॉलिड फॉर्म में आने का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो फैक्टर्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो वांडर वाल है नहीं तो एच बॉन्डिंग है। तो इन सब में जो है वांडर वाल लग रहा है, ठीक है। इसमें एच बॉन्डिंग लग रहा है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ये इसमें वांडर वाल फोर्स लग रहा है, इसमें भी वांडर वाल लग रहा है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये एच बॉन्डिंग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एच बॉन्डिंग की वजह से अब वांडर वाल डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। एक्चुअली वांडर वाल फोर्स जो है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो वांडर वाल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से लिक्विड और जो भी है गैसियस सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग देख ले पॉइंट, वांडर वाल क्या होते हैं। तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ पे बढ़ेगा, वान डर वाल फोर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज कि मैं यहाँ पे आई टू सॉलिड लिया, तो आई टू सॉलिड में होता क्या है कि मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं ये आई टू का दो मॉलिक्यूल्स लिया तो इनका मॉलिक्यूलर मास 254 होता है, यानी हैवी मॉलिक्यूलर मास है, हाई मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनके बीच वान डर वाल फोर्स लगेंगे, ये है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे सॉलिड में आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे P4 है या एसेट मॉलिक्यूल्स है, इनकी मॉलिक्यूलर मास हाई है तो इसीलिए इसमें भी वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे और इसकी वजह से सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ पे एच बॉन्डिंग जैसे मैं वाटर ले रहा हूँ, ठीक है, तो एच बॉन्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जो कि आप बॉन्डिंग में दोनों पार्ट जो है बॉन्डिंग का है, यहाँ का नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आप डिटेल में वान डर वाल फोर्स हो या एच बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ पर डिटेल में और क्या होता है, अब उतना यहाँ पर तो संभव नहीं है बताना क्योंकि दूसरे चैप्टर का पार्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर या इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इस तरह से, अब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे और ये, यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से आ रहे हैं क्लोज तो फिर इनके बीच क्या लगेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जैसे दो वाटर में मॉलिक्यूल्स लिया तो एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है कि वन हाइड्रोजन एटम मस्ट बी बॉन्डेड विथ टू मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो यहाँ से देख रहे हो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो यहाँ से ऑक्सीजन से बाउंडेड है और ये इसके क्लोज आने की वजह से यहाँ पे ये फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, यानी डाइपोल की वजह से। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, तो इनके बीच यानी डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एच बॉन्डिंग इस तरह के फोर्स जो लगता है इसको हम लोग यहाँ पे एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हुआ, ठीक है, और इससे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते जाते हैं और ऐसे एसोसिएट होते जाएंगे तो मोलर मास जो है इफेक्टिव मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा और फाइनली वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो कुछ टाइप्स है उसको हम लोग देख ले वान डर वाल का। यानी कोवलेंट सॉलिड को छोड़ दिया जाए तो जितने कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएंगे, यानी उनकी मेन जो है रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन सा, तो वान डर वाल फोर्स और दूसरा एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो कुछ टाइप्स हम लोग देख ले वान डर वाल फोर्स का। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वान डर वाल फोर्स, और ये वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग होता है एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो यानी अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो बॉन्ड यानी कि स्ट्रेंथ जो है ये आ जाएगा वीक और इससे थोड़ा सा आ जाएगा एच बॉन्डिंग का। अब इसका टाइप्स है 5 टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, वान डर वाल का फर्स्ट जो स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें भी 5 टाइप्स का है।
तो सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो आयन डाइपोल जो सबसे स्ट्रॉन्गर वांडरवाल फोर्स होता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट है डाइपोल 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 इंट्रैक्शन, एंड थर्ड में डाइपोल सॉरी आयन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। उसके बाद है फोर्थ में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, एंड फिफ्थ नंबर में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसके फाइव टाइप्स है वांडरवाल का। तो इसको जो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल को लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोला जाता है। और सबसे वीक फोर्स वांडरवाल फोर्स जो होता है यही होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर? चलो तो एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इस पे बेस्ड। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है, मैं फर्स्ट लिया आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ नेम से ही क्लियर हो रहा है, आयन का मीनिंग कोई भी एक आयन्स होनी चाहिए, या तो कैटायन्स हो या एनायन्स हो। ठीक है, तो कैटायनिक या एनायनिक कोई भी एक आयन्स हो। और डाइपोल जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस की वजह से आता है, उसमें कंप्लीट चार्ज नहीं आता है। तो सपोज कि मैं यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है, या HBr ले लिया, तो इन सब में देखो यहाँ पे ये सभी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बट इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज और लेस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप करता है, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसको डाइपोल बोला जाता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। अब देखो यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, जब इस तरह के दो स्पीसीज आएंगे एक दूसरे के क्लोज, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को यहाँ पे बोला जाता है आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है, या आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यही है वांडर वाल फोर्स का टाइप्स अलग अलग जो है, यानी ये आयन हुआ और ये डाइपोल के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, और इसी को आयन डाइपोल, यहाँ भी सेम है, एक एटायन और ये जो है डाइपोल के बीच लग रहा है एनायनिक, यानी आयन्स, और ये डाइपोल के बीच यहाँ भी लग रहा है, तो ये निगेटिव आयन्स है तो पॉजिटिव डाइपोल से इंट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, सपोज कि एक मैं दूसरा ले लिया, सपोज कि डाइपोल ले लिया, डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो डाइपोल इंट्रैक्शन का मीनिंग डाइपोल कोवलेंट जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस वाले यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में लगेंगे। तो सपोज कि मैं दो HCl का ये ले लिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या HBr या जो भी हो, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। देखो तो अपोजिट डाइपोल की वजह से क्या लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसी को हम लोग वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, यानी वांडरवाल फोर्स लग रहा है डाइपोल यानी दोनों क्या है, दोनों स्पीसीज डाइपोल टाइप से हैं, तो डाइपोल के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज डाइपोल इंट्रैक्शन, एंड दिस इज नोन एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से और भी,
और चलो एक पॉइंट हम लोग एच बाउंडिंग भी देख लें। तो एच बाउंडिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एच बाउंडिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर और ये है इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर और इंट्रा, इंटर मॉलिक्यूलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे सेम विद इन द मॉलिक्यूल्स, इंट्रा यानी विद इन द मॉलिक्यूल्स, यानी इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि, लेकिन ये विद इन द मॉलिक्यूल्स और ये इंटर यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सेम और, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एज फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग ले ले कि जैसे एच एफ ले लिया, तो टू कंपाउंड से, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जो कि मॉलिक्यूल सेम है, दो डिफरेंट कंपाउंड, या मैं एच एफ ले लिया, एच टू ओ ले लिया, एच एफ या एच टू ओ और एन एच थ्री में ले लिया, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सिमिलर है। तो इस तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो या सेम मॉलिक्यूल्स हो लेकिन टू और मोर देन टू जो है कंपाउंड्स होनी चाहिए, और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको इंटर मॉलिक्यूलर एच बाउंडिंग कहेंगे। और इंट्रा में विद इन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज कि मैं ये ले लिया एक कंपाउंड जो कि यहाँ पे सी ओ एच और ई ओ एच है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है और ये, ये हाइड्रोजन OH वाले, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बाउंडेड है और ये ग्रुप के क्लोज होने की वजह से ये इस ऑक्सीजन से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होंगे हो रहा है, इसका मीनिंग एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन को लीड कर रहा है, और ऐसे केस में ये जो बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है एच बाउंडिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स में दो ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे क्लोज आने की वजह से इंट्रैक्शन डेवलप कर रहा, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बाउंडिंग। बट यहाँ पे क्या है, यानी इसमें जो हाइड्रोजन बाउंडिंग है विद इन द मॉलिक्यूल्स बन रहा, और इसमें टू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा, ठीक है, और ऐसे जो बॉन्ड्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम लोग सपोज कि एच एफ मैं ले लिया, दो एच एफ का मॉलिक्यूल्स मैं ले लिया, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर्स लगेंगे, और इसका कंडीशन ही है कि वन हाइड्रोजन एटम मस्ट बी बाउंडेड विथ टू मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरिन हो या नाइट्रोजन हो, सॉरी ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, इसके बीच जो है इसकी वजह से एच बाउंडिंग का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एच बाउंडिंग बन रहा है, इसी को हम लोग एच बाउंडिंग बोलेंगे। तो ये जो एच बाउंडिंग बन रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, बट दो कंपाउंड्स के बीच लग रहे हैं, और वो जो है सेम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सेम कंपाउंड के हो सकते हैं या डिफरेंट कंपाउंड के हो सकते हैं। चलो कुछ हम लोग डेफिनेशन वगैरह डिस्कस कर ले, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे हम लोग लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो स्पेस लैटिस क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं या स्पेस लैटिस क्या होते हैं, तो लैटिस पॉइंट में एटम्स को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है,
तो कह सकते हैं कि एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट, ठीक है, विच इज नोन एज लैटिस पॉइंट। इसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं हम लोग। यानी इस पॉइंट को सपोज कि मैं यहाँ पे सोडियम इस तरह से इसके एटम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट नोन एज लैटिस पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट स्पेस लैटिस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग एक अरेंजमेंट दिखा दें जिस तरह से हम लोग दिखाए हैं, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल में, जैसे ये स्पेस में इसका अरेंजमेंट कर दिए, कॉम्बिनेशन कर दिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिए, तो इसी को हम क्या बोल दिए, स्पेस लैटिस, ठीक है। इस पूरे को हम स्पेस लैटिस बोल देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को स्पेस लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जैसे यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल क्या होता है, वो भी देख लो। यूनिट सेल का मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये जो लैटिस पॉइंट का जो हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस में, तो जो अगर बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस रिपीटेशन को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे हम लोग ये लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और अरेंजमेंट करके अगर इसका हम लोग कॉम्बिनेशन करें जिससे कि कोई
टर्म बार बार रिपीट करे, कोई यूनिट बार बार रिपीट करे, तो उस यूनिट को हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग टर्म को यूनिट सेल। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज कि मैं इसको इसको कनेक्ट किया, ठीक है, फिर इसको इसको कनेक्ट किया, इसी तरह से ये इधर कनेक्ट किया, तो ये सारे रिपीटिंग टर्म क्या है, ये सब के सब जो हैं रिपीटिंग टर्म है, बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरह से आगे भी ये पूरे करते रहेंगे, तो इस इच रिपीटिंग टर्म को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, ये सारे जो हैं यूनिट सेल होगा क्रिस्टल का। तो कोई क्रिस्टल अगर होता है, क्रिस्टल का मीनिंग कि ये सॉलिड सब्सटेंस का होमोजेनियस पोर्शन होता है, होमोजेनियस पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, तो एक क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्रिस्टल का साइज क्या है, ठीक है, और वो क्रिस्टल का साइज पे डिपेंड करता है यूनिट सेल कितने होंगे या कितने हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकता है, और यूनिट सेल का साइज डिपेंड करता है इसके प्रिमिटिव्स और इंटरफेसियल एंगल पे, फिर जो है डायमेंशन पे 1D, 2D, 3D, ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। यूनिट सेल वन डी यूनिट सेल, ठीक है, तो वन डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए सपोज कि मैं ये इस तरह से एटम का अरेंजमेंट किया, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट में देखा जा रहा है कि है, यानी ये यूनिट मैं इसको मान लिया, ठीक है, तो इसमें क्या कोई दूसरा पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, ये सब में क्या है सेम है, यहाँ फिर जो है ये फिर ये सारे जो है ए यूनिट यूनिट रहेंगे, इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे वन डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए ओनली ऑन पैरामीटर, ओनली ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, यानी वन डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए एक ही पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, 2D के लिए हम लोग देख ले, टू डायमेंशनल यूनिट सेल, तो 2D के लिए क्या होगी, टू डायमेंशनल में एज फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, सारे एटम्स आइडेंटिकल है, तो इस तरह से मैं अरेंजमेंट कर लिया, तो यहाँ पे देखो जैसे इसका सेंटर और ये सेंटर, फिर ये इस स्फीयर का, यानी इन सेंटर्स को मैं कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने पे क्या मिल रहा है, एक यूनिट सेल मिल रहा है, और इस तरह से बार बार इधर भी रिपीट करते जाएगा आगे भी, तो ये यूनिट सेल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, ठीक है, तो इसमें कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक ये इसको मैं लेंथ ए यूनिट मान लिया, और फिर इधर भी ये यूनिट कैसा बन रहा है, स्क्वायर टाइप से, और ये एंगल भी कुछ आएगा इसमें, ठीक है, तो इसको मैं इधर बी मान लिया, तो ए बी एंड थीटा, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि देयर आर थ्री पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, तो 2D के लिए कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और एंगल थीटा, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बी एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री,
ये हो जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ 2D कौन कौन से हो जाएंगे, टू डायमेंशनल जो है यूनिट सेल कौन कौन से होंगे, ये भी हम लोग देख ले। 2D में चलो टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग, फर्स्ट में स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट सेल। और स्क्वायर यूनिट सेल क्या होगा, इस तरह का, यानी ए और ये बी, ठीक है, और ये एंगल 90। इसका मीनिंग ए इक्वल्स टू बी और थीटा क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर यूनिट सेल के लिए। दूसरा मैं ले लूँ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, और रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, ये साइड लेंथ अलग होगा। सपोज ये मैं ले लिया तो यहाँ पे ये ए यूनिट मैं मान लिया, बी इधर मान लिया, ठीक है, ये 90 थीटा, तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी और थीटा 90, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल हो गया, ठीक है। चलो और नेक्स्ट है थर्ड में, थर्ड में हम लोग ले ले ये रोम्बिक, रोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। रोम्बिक के लिए हो जाता है ए इक्वल्स टू बी बट थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या 90, थीटा इसमें नॉट इक्वल्स टू 90 होता है, ये रोम्बिक के लिए। तो तीन हो गया, चार में, फोर्थ में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यूनिट सेल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल के लिए ए नॉट इक्वल्स टू बी, थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 और थीटा नॉट इक्वल्स टू 60, ठीक है। ये फोर टाइप्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक और ये पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो नोट कर लो। और एक है, एक और यूनिट सेल आ जाएगा 2D का, हेक्सागोनल, 2D का हेक्सागोनल 5 नंबर, हेक्सागोनल यूनिट सेल। और हेक्सागोनल यूनिट सेल में ए इक्वल्स टू बी और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये होनी चाहिए, ठीक है। यानी इस तरह का कुछ 60 का एंगल बनाए, जो भी हो, ये लेंथ भी, लेंथ सेम होगा इसमें, ठीक है। थीटा 60 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बना लेना, पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है कि साइड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए,
यानी मोर सिमेट्रिक यही होगा, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक ये होगा पैरेललोग्राम का। साइड लेंथ सेम नहीं होगा, थीटा ना तो 90 होगा ना ही 60 होगा, क्योंकि 90 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए मोर सिमेट्रिक है। और ये रोम्बिक में क्या होनी चाहिए कि थीटा साइड लेंथ इक्वल होगा और थीटा नॉट इक्वल्स टू 90, ठीक है। और अभी हम लोग हेक्सागोनल में देखें तो ये है साइड लेंथ सेम और थीटा एंगल जो है यानी कि 60 डिग्री, स्क्वायर में साइड लेंथ सेम और एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइव ब्रेवियस लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस होते हैं 2D के लिए, देयर आर फाइव ब्रेवियस लैटिस फ्रॉम फॉर 2D यूनिट सेल, ठीक है। तो 2D यूनिट सेल के लिए ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।